हेलो हाँ जॉइन सर हाँ बोलिए सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ हाँ हाँ बताइए सर मेरा काटअप का बहुत डर लग रहा है सर इसलिए मैंने आपको कॉल किया अच्छा अच्छा कितना मार्क्स ज़्यादा है सर मेरा काटअप से 1.48 ज़्यादा है 1.48 हाँ सर क्या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो नहीं सर जनरल डिस्ट्रिक्ट ओबीसी हो सर ओबीसी हो हाँ सर तो आप ओबीसी में ही काउंट हुए हो या जनरल में काउंट हो गए थे सर नहीं सर जनरल में जनरल डिस्ट्रिक्ट का हूँ लेकिन ओबीसी में काउंट हो सर अच्छा अच्छा हाँ जनरल सर बेटा डेड नंबर तो कम है तो देखो मैं बताऊँ आपको डरने की अब हम आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहेंगे नहीं सर ये तो सही बात है 1.5 नंबर ये आपका लगभग होता है तो उसमें हाँ चांस देखो वन पॉइंट फोर एट सर 4.8 तो 1.5 हो गया ना लगभग हाँ सर हाँ सर हाँ सर तो अब इसमें देखिए ऐसा है कि आपका 50% भी हमें कम लगता है ओ सर क्योंकि मार्क्स तो देखो बहुत ज्यादा है बच्चों के और 3 गुना कैंडिडेट्स पास है अभी हाँ अब सर 3 गुना में से एक जो 1/3 है वो तो निकल गया 1/3 तो निकल गया हाँ सर वो तो अब 2 टाइम्स बच गया है हाँ और 2 टाइम्स में देखिए अब 1.5 नंबर वाला जो है वो थोड़ा सा कम चांस लगता है बताऊँ आपको तो इसलिए सर बहुत डर लग रहा था नहीं नहीं तो मैंने नहीं देखो सोचा अब आप टेंशन मत करो जो होगा वो तो देखो अब जो होगा वो तो अब निर्णय तो जो मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा मैं आपको ये बता दूंगा कि आपका नंबर आ जाएगा तो आप अभी थोड़े दिन के लिए आप खुश हो जाएंगे हाँ हाँ ये लेकिन तो सही मुझे बात है तो सर देखो मैं तो अब आपको मैं गलत बताऊंगा तो भी मेरे लिए गलत बात है वो हाँ सर ये तो सही है सर आप अपनी पढ़ाई जारी रखो आप अपनी तैयारी रखो आप क्योंकि अभी दे पढ़ाई दे में तो सर पढ़ाई सर पढ़ाई जारी है हाँ लेकिन हाँ सर मैं इसे डर तो होगा ना सर डर होगा नहीं देखो क्योंकि एक मैं तो ऐसा पास होता है पास कि हुआ हूँ जिसको सर जैसे 10 मार्क्स ज्यादा है तो उसको हम बता देते हैं कि आप कंफर्म हो जाएगा आपका हाँ सर एक जिसका 4 नंबर भी ज्यादा है तो अब आपका आपका आपके स्टेट में जो एनालिसिस हमारा है उसमें 3.5-4 नंबर वाला जो है ना कैंडिडेट्स हाँ सर 2.5 नंबर से भी देखो जिसके ऊपर है ना वो भी आ सकता है क्योंकि पॉइंट्स में मार्क्स हैं अभी हाँ सर इसीलिए तो सर मैंने सर मेरा जो दोस्त है हाँ वो हाँ लोग भी सर यही बता रहा था कि बिल्कुल बिल्कुल 10 गुना लोग मेडिकल में 3 गुना जब बुलाया है हाँ तो हाँ उसमें लगभग 3 नंबर बढ़ाया था थ्री नंबर पर बढ़ा था हाँ सर वो तो बोल रहा है मेरा दोस्त कि अगर फाइनल मेरिट में एक बंदा बच जाएगा तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल एक बंदा बच जाएगा तो शायद 1.5 नंबर ही बढ़ सकता है इससे ज्यादा नहीं बढ़ डेढ़ भाई सकता देखो इससे ज्यादा मैं बताऊँ आपको कि उसमें जो अब आप एक्चुअली पॉइंट्स पे मार्क्स है ना हाँ सर पॉइंट्स पे इसलिए क्या है कि जैसे 1.5-2 नंबर वाले भी बंदे आ सकते हैं क्योंकि नीचे हाँ जो कट ऑफ रहता है वहां पे बच्चे ज्यादा होते हैं हमेशा हाँ तो ये तो सही आपका आप देखिए 50-50 मान सकते हैं अपन अब आपका तो ऐसा नहीं है कि भी 60-40 भी नहीं मान सकते ये दोनों बातें हो सकती हैं आप या तो आपका आ भी सकता है या अटकते हैं तो बॉर्डर पे अटक सकते हैं बॉर्डर लाइन केस अच्छा ये सेफ जोन वाली बात नहीं है जैसे एक होता है ना कि जिसको 5 नंबर ज्यादा है तो वो हाँ सेफ जोन है वो हाँ सर हाँ सर जिसको 10 नंबर ज्यादा है वो 100% वो हो सर तो जाएगा 100% सेफ जोन में है हाँ जिसको 20 नंबर ज्यादा है वो तो फर्स्ट चॉइस मिल जाएगा कंफर्म हाँ ये बात है ना तो कोई बात नहीं अब देखो जो भी होगा वो आपके और हमारे सोचने से नहीं होगा वो तो होगा तो मार्क्स के हिसाब से ही हाँ होगा सर वो तो सही बात है लेकिन सर डर लग रहा है इसीलिए मैंने सोचा एक बार कॉल करके नहीं देख लूँ आपको देखिए जो मार्क्स हम बताते हैं बहुत सारे हम बच्चों के रिकॉर्ड भी डाल देते हैं उस पर हाँ रिकॉर्डिंग भी डाल देते हैं तो यदि मार्क्स है तो कंफर्म है तो कंफर्म है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मार्क्स कम हाँ है बेटा 1.5 नंबर जो है ना वो देखो हमारे हिसाब से क्या है कि 1.5 पे कम चांस है बाकी आने को आ सर सकता है क्योंकि वो जैसे अब पहले 10 गुना में 3 नंबर बढ़ा था तो हाँ अभी तो 3 गुना ही है तो 3 गुना में फाइनल मेरिट अपन फाइनल सर फाइनल मेरिट में तो 3 गुना नहीं जाएगा ना शायद नहीं शायद नहीं अभी हाँ जो सर दो 3 गुना गुना के बचा हुआ 2 गुना और 1 पॉइंट में हम लोगों का हिसाब से मेरा दोस्त ने हिसाब किया था हाँ तो हाँ वो लोग बोल रहे थे शायद फाइनल मिनट में 1 पॉइंट शायद 1.5 गुना हो सकता है और 1.5 गुना से ऊपर हो सकता है इससे ज्यादा नहीं हो सकता नहीं फाइनल मिनट में नहीं जाएगा फाइनल मेरिट में तो अभी 2 टाइम्स कैंडिडेट बचे हैं आपके मैं बता हाँ दूं देखो जो हाँ जो सर आपके 3 टाइम्स था हाँ उसमें से सर एक कैंडिडेट हर 3 में से एक कैंडिडेट तो आउट हो चुका है हाँ वो तो मेडिकल में आउट हो गए या एब्सेंट रह गए जो भी हुआ है वो आउट हो गए
अब बचे हैं एक वैकेंसी के पीछे दो कैंडिडेट बचे हैं। हाँ सर। अब आपका जैसे डेड नंबर आपका ज्यादा होता है तो वो डेड नंबर पॉइंट्स में मार्क्स है 1.4805 पांच डिजिट तक है पॉइंट के बाद में। हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो पॉइंट के बाद में दो डिजिट तक ही हम सॉल्व करते हैं, लेकिन एसएससी ने पांच डिजिट तक सॉल्व किया। तो ये जो पांच डिजिट है आगे वाला, इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट कम से कम बराबर मार्क्स पे होते हैं। तो ये कैलकुलेशन यदि उसको देखो, डिटेल कैलकुलेशन देखा जाए तो आपका आ सकता है नंबर, लेकिन यदि यही आपको ढाई नंबर तक होता तो ज्यादा चांस हो जाता। हाँ सर, ये तो हम जिन कैंडिडेट्स का 2.5 तक है वेस्ट बंगाल, हाँ, वो उनका चांस फुल होता है। अब आप वाला चांस ऐसा है कि आपका आ भी जाए और नहीं भी आए, इसलिए हम आपको थोड़ा यहाँ पे हम भी झिझक रहे हैं हम कि हम आपको क्या बताएं। ये तो सही बात है। हम आपको ये नहीं कह सकते कि आपका 100% आ जाएगा। हम आपको ये भी नहीं कह रहे कि आपका नहीं आएगा। देखिए, लेकिन एक जो चांस जो है वो थोड़ा कम है आपका। सर, सबसे बड़ा जो बात है ये वेस्ट बंगाल का, बंगाल पुलिस में बहुत बंदा चला गया था। नहीं, वो जो चले गए ना, रीमेडिकल में बहुत सारा एब्सेंट है रीमेडिकल में, वो भी आपको फायदा हो जाएगा। रीमेडिकल में जो फायदा है वो फायदा हो जाएगा, उससे आपका आ सकता है बिल्कुल। हाँ सर, 5,000 या कुछ ऐसे कैंडिडेट जो है वो वेस्ट बंगाल में सेलेक्ट हो गए। हाँ सर। और सबसे बड़ा बात है सर, वो जो बंदा वेस्ट बंगाल पुलिस में सिलेक्ट हुआ है, हाँ, वो बंदा भी एसएससी में फिट हुआ है। नहीं, वो हुआ है, वो बंदा का बहुत ज्यादा नंबर है। बिल्कुल, उनके ज्यादा मार्क्स है। तो वो ज्यादा मार्क्स है, इसीलिए सर दोस्त कह रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बिल्कुल उसके आधार पे आपका चांस हो सकता है। उसका डेड नंबर वाला जो है बिल्कुल चांस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो कैंडिडेट आउट हो गए हैं। उसमें से आपका यदि 500 कैंडिडेट भी यदि वो निकल जाते हैं, हाँ, तो वो फायदा हो जाएगा आप लोगों को। हाँ, यही तो। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये ना, जो कैंडिडेट उसमें मेडिकल करवा लिए थे, हाँ, उसको वो वैकेंसी खा जाएंगे। वो सीट खाली, जो री मेडिकल में नहीं गया वो तो चलेगा। रीमेडिकल में गया नहीं, बहुत बंदा है वो नहीं गया। रीमेडिकल में नहीं गया वो, आपको पता है वो रीमेडिकल में भी नहीं गया। और बहुत ज्यादा मैंने एक बंदा बता रहा था मुझे, अनफिट भी हुआ है, बहुत ज्यादा अनफिट हुआ है रीमेडिकल में, काफी अनफिट हुआ, बिल्कुल रीमेडिकल में काफी अनफिट हुआ है। कल्याणी में हुआ था रीमेडिकल, मेरा एक दोस्त सुबह में ही कह रहा था कि वो 25 में से 2-3 बिल्कुल ऐसा फिट हुआ, बिल्कुल ऐसा ही बंदा फिट हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, आप अभी वेट करो, डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा वो अच्छा होगा, आपको टेंशन नहीं करना। हाँ सर, ये तो सही बात है। चलो ठीक है, आप अभी तो आप टेंशन मत करो, अपनी तैयारी